गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइटिंग में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लॉस ही दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने लिखा है लता एंड ममता आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। लता और ममता पार्टनर हैं, जिनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। शेयरिंग प्रॉफिट ममता लता लेती है 70% और ममता लेती है 30%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 दे अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ 2,26,440 रुपये, उन्होंने प्रॉफिट कमाया। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज, पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 16,000 शुड बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। 16,000 के प्रॉफिट थे वो ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, पूंजी पर ब्याज 7% देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%। लता टू गेट ए सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, और लता सैलरी लेती है 2500 रुपये पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर, और ममता का लोन है जो 80,000 है, जिस पर पूरी साल का इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग किया उस पर इंटरेस्ट लेना है 8% पर एनम। ड्रॉइंग बीइंग लता 36,000 एंड ममता 48,000, यानी कि लता का जो था वो 36,000 है और ममता का 48,000। प्रीपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए, और कैपिटल अकाउंट भी मैंने तो बना ही दिया है। कैपिटल अकाउंट बना, देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, हमें लाभ का बैलेंस कितना मिला 2,26,440, और इस साइड का टोटल भी कितना आ जाएगा 2,26,440। हम क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, ममता के लोन पर इंटरेस्ट दे दिया, टोटल कितना जाएगा 80,000 रुपये का था, 6% निकलेगा, 80,000 का 6% निकालेंगे 4,800 रुपये आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया 48, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट लोन की नहीं दी तो 6% देना होता है। उसके बाद 2,26,440 में से 4,800 घटा देंगे, आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना जाएगा 2,21,640, और इस साइड का भी टोटल कितना लिख देंगे 2,26,440। उसके बाद बनाएंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट हमने लिख दिया, पर्टिकुलर्स रुपये। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट कितना मिला 2,21,640। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लताज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 1,440। लता का जो टोटल ड्रॉइंग था 36,000, उस पर हम 6 मंथ का निकाल देंगे, और कितने परसेंट 8%, तो हमारे 6 मंथ का 8% निकाल देंगे 1,440 आएगा, और इसका 1920 टोटल आ जाएगा 3,360, और इस साइड का टोटल अगर करेंगे 2,21,640 में 3,360 जोड़ेंगे 2,25,000 टोटल आ जाएगा। अब डेबिट साइड देखिए, टू जर्नल रिजर्व सबसे पहले कहा था 16,000 कहाँ ट्रांसफर करने हैं, जर्नल रिजर्व में, तो हमने लिख दिया टू जर्नल रिजर्व 16,000। उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता, लता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3 लाख कैपिटल थी, 7% के हिसाब से आएंगे 21,000, और ममता के आएंगे 14,000, टोटल 35,000 रुपये, क्योंकि 3 लाख कैपिटल थी, 3 लाख का 7% निकालेंगे तो 21,000, और दूसरा था 2 लाख, 2 लाख का 7% निकालेंगे तो 14,000 उसके बाद लिख देंगे। उसके बाद टू लता सैलरी, लता सैलरी लेती है 2,500 रुपये प्रति महीना, तो 12 महीने की कितनी बन जाएगी 30,000। उसके बाद लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लताज कैपिटल अकाउंट एंड ममताज कैपिटल अकाउंट, लता का कैपिटल अकाउंट 1,44,000, अगर 2,25,000 में से यहाँ तक के आइटम घटाएं इससे ऊपर के, तो 1,44,000 रुपये बचते हैं, जो प्रॉफिट हो गया वो बांट देंगे लता और ममता में, किस रेशियो में 70% और 30%, यानी कि 7:3 में, जो मैंने बांटा, तो यह 1,08,800 आएंगे ममता के और 43,200 आएंगे ममता के, और ये हैं लता के। उसके बाद इनका कैपिटल अकाउंट भी देख लें आप, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो इनकी कैपिटल के बैलेंस दे रखे थे 3 लाख और 2 लाख, हमने यहाँ लिख दिए बाई बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 21,000 और
14,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया दोनों का। अभी बाई सैलरी लता की सैलरी थी केवल 30,000, ममता की थी नहीं। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उनके बैलेंस 1,843,200। इसका देखिए अब इनका टोटल आ जाता है क्रेडिट साइड का, लता का 4,51,800 और ममता का 2,57,200। उसके बाद टू ड्रॉइंग, इन्होंने ड्रॉइंग कितना लिया है, लता का 36,000 ममता का 48,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लता का था 14,400 और ममता का था 19,200। उसके बाद लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 4,51,800 में से ये घटाएंगे 36,000 और 1440 तो बचेगा 4,14,360 और 2,57,200 में से 48,000 और 1920 घटाएंगे तो आ जाएगा 2,07,280। ये क्वेश्चन था, इनका भी टोटल लिख देंगे करके। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5 ऑन 1 जुलाई 2004। ए एंड बी गारंटेड लोन्स ऑफ 2,00,000 एंड 1,00,000 रेस्पेक्टिवली टू फर्म। उन्होंने 1 जुलाई 2004 को फर्म को लोन दिया, ए ने 2,00,000 और बी ने 1,00,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 इन द फॉलोइंग केसेस। दो केस दे रखे हैं। पहला केस एक, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट द ईयर अमाउंटेड 7,500, इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट कितने थे 7,500। दूसरा इफ द लॉस, और दूसरे में लॉस कितने थे 7,500। पहला केस देखिए, जब लाभ दे रखा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन टोटल प्रॉफिट कितना है 7,500। उसके बाद डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए का लोन कितना था 2,00,000, उस पर हमने इंटरेस्ट रेट इसमें दे रखी नहीं है तो कितनी परसेंट लगेगी आपको पता है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, और कितने महीने का लगेगा 9 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई को लिया है, जून से नहीं लिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए 2,0 से 2,0 कट गई, 6×12 दो से काटेंगे आ जाएगा 1,00,000, 1,000 1,000 की और 9 से गुणा करेंगे कितना 9,000। इसी प्रकार टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, बी का लोन कितना था 1,00,000, उसके इसी प्रकार 9 महीने का लगेगा और 6% लगेगा, वही काट देंगे वैसे के वैसे कटेगा, ये आ जाएगा 6×12 दो से आ जाएगा 500 की और 9 की गुणा करेंगे 4,500। तो अब देखिए अगर इसकी हम बात करें तो डेबिट साइड में तो केवल 7,500 लिखा गया था, क्रेडिट साइड में 7,500 लिखा गया था, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9,000 और 4,500, यानी कि टोटल 13,500। ये ज़्यादा है तो लॉस हो गया, 13,000 में से 7,500 घटाएंगे बच गया 6,000, हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, लॉस कितने का हुआ 6,000 का, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। इस 6,000 को हमने बांट के लॉस को लिख दिया, 6,000 को बांट दिया किस रेशियो में 2:3:5 जो ऊपर इनका दे रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 आप डिवाइड बाई 10, इनका टोटल एक के आ जाएंगे 1,200, दूसरे के आ जाएंगे 2:3:5 हाँ, दूसरे के आ जाएंगे 1,800 और तीसरे के आ जाएंगे 3,000, टोटल 5 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए इसका दूसरा केस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें तो पहले लॉस दे रखा है दूसरे केस में, तो इफ़ लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500, लॉस दे रखा है 7,500 तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 7,500, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, वही अभी निकाला था 9,000, और टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 4,500, इस साइड का टोटल आ गया 21,000। क्रेडिट साइड में लिखने के लिए प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा था, पहले ही लॉस दे रखा था, कुछ नहीं लिखा था, हम लिख देंगे 21,000 रुपये का इसी तरह क्या हो गया लॉस हो गया हमें। हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। एक के में लिख देंगे 4,200, बी के में 4,300 और सी के में 10,500 और टोटल आ जाएगा 21,000। ये क्वेश्चन थे भाई 12th अकाउंटेंसी में। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स रुचि एंड सूची अज्यूमिंग द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील है। उनका एक कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाने के लिए आपको कहा गया है, अज्यूमिंग देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, शो द फॉलोइंग आइटम इन द कैपिटल अकाउंट, इन्हें कैपिटल अकाउंट बना लें। पहला कैपिटल एक ऑन 1/4/2004, एक की रुचि की है 3,00,000, सूची की है 2,00,000,
ड्रॉइंग है उनका साल के दौरान, एक ने 48,000 रुपये का किया, दूसरी ने 36,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे रखा है 14,400 और 1,080। पार्टनर सैलरी, उनको सैलरी मिलती है केवल रुचि को 2,000 रुपये पर मंथ, सुचि को कुछ नहीं मिलती। उसके बाद इन पार्टनर्स कमीशन, रुचि को मिलते हैं 10,000 और सुचि को मिलते हैं 8,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट दिया गया 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,004-5 के लाभ में हिस्सा है 40,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाता, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट लिखा है, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुचि सूचि, पर्टिकुलर्स रुचि और सूचि दोनों साइड लिख दिया। अब सबसे पहले देखिए बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमने कैपिटल के बैलेंस लिख दिए, रुचि के थे 3 लाख और सूचि के थे 2 लाख। उसके बाद इन्होंने ऊपर से लिखना शुरू कर देते, उसके बाद क्या लिखा है ड्रॉइंग, हम डेबिट साइड लिख देंगे, टू ड्रॉइंग 48,000 और 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऊपर लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1440 और 1,080। उसके बाद है पार्टनर सैलरी, हम लिख देंगे बाई सैलरी, सूची को सैलरी दी गई 2,000 रुपये प्रति महीना, तो पूरी साल की बन गई 24,000, सॉरी रुचि को। उसके बाद है बाई पार्टनर्स कमीशन, हम लिखेंगे बाई कमीशन, रुचि को दिया गया 10,000 और सूची को दिया गया 8,000। उसके बाद है बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाता, इनके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है 6%, तो इनकी कैपिटल रुचि की है 3 लाख, 3 लाख का 6% निकाल के लिख दिया मैंने 18,000, और ये था 2 लाख, 2 लाख का 6% निकाल के रख दिया 12,000। उसके बाद था शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, रुचि का 40,000 और सूचि का 20,000, ये था इनका टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का। जो ये है रुचि, इसका आएगा 3,92,000 और जो सूची है इसका आएगा 2,40,000। टोटल इस साइड का भी यही आना चाहिए 3,92,000 और 2,40,000। अब देखिए टू बैलेंस कैश डाउन लिखेंगे, इनका टोटल था रुचि का 3,92,000, 3,92,000 में से 48,000 और 1,440 घटा देंगे, इसका कैपिटल बैलेंस आ जाएगा 3,42,560 और सूची का आ जाएगा 2,40,000 में से घटा देंगे 36,000 और 1,080, 2,02,920। ये उनके कैपिटल बैलेंस आ गए। एक तो ये क्वेश्चन था 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा एंड अर्चना आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। पूजा और अर्चना एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 स्टैंड एट 30,000 एंड रुपये 70,000 और रुपये 30,000। उनकी कैपिटल है 70,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली। देयर पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और वो उनको मिलता है पूंजी पर ब्याज 10%। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंटेड टू 4,800 और 3,600। दोनों ने साल के दौरान ड्रॉइंग किया 4,800 और 3,600। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर लगता है 10% के हिसाब से। पूजा हैज गिवन ए लोन टू फर्म एज ऑन 1 नवंबर 2013 ऑफ 20,000 और पूजा ने फर्म को 1 नवंबर 2013 को लोन दिया 20,000 का। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट 80,000। फर्म का लाभ था 80,000। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टेकन टू बी कीप्ड इन ए रिजर्व अकाउंट और इस प्रॉफिट का 10% हमने रखा है एक रिजर्व अकाउंट में। करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2013 और पूजा का 5,000 क्रेडिट बैलेंस और अर्चना का 23,000 डेबिट बैलेंस। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट यहाँ मिला 80,000 रुपये, इसके अंदर ही मैंने लिख दिया लेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन पूजा लोन, पूजा का लोन था भाई 20,000। इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं दे रखी तो 6% मल्टीप्लाई बाई ये है 5 महीने का, क्योंकि 5 महीने का है ना, 1 नवंबर को लिया गया था, 6 से कट गया, 6 × 12 2 0 से 2 0 200 से काट देंगे यहाँ 100 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 500, मैंने घटा दिया 79,500 रुपये यहाँ बच गए प्रॉफिट को। उसके बाद लिख देंगे डेबिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर कितना इंटरेस्ट है, पूजा का 4,800 रुपये इंटरेस्ट था, 10% इंटरेस्ट रेट, 6 कुछ नहीं दे रखा तो आधी साल का लगता है भाई,
सीधी सी बात है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गई, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गई, छः दूनी 12, दो 480 को 2 से काटेंगे 240, और इसी प्रकार रचना का 3600 का 10% निकालेंगे 6 महीने का आ जाएगा 180। अब देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 79920, डेबिट साइड में लिखेंगे इन्होंने कहा है कि इसका 10% का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व, तो 80,000 का 10% कितना आ गया 8,000 हमने ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूजा की 70,000 थी 10% आ गया 7,000, और अर्चना की 30,000 थी 10% आ गया 3,000। उसके बाद प्रॉफिट निकाल देंगे, ये 79920 में से ऊपर तक के घटा देंगे 18,000, ये आ जाएगा 61,920। हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पूजास करंट अकाउंट एंड अर्चनास करंट अकाउंट, पूजा के पास आया 41,280 और अर्चना के पास आया 20,640। उसके बाद अब लिखेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पूजा का देखिए करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, पूजा का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमने क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अर्चना का डेबिट बैलेंस लिख रखा था 23,000, देखिए इसमें 23,000 डेबिट बैलेंस हमने 23,000 लिख दिया। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें कितना मिला अभी तो निकाल के दिखाया था 7,000 और 3,000 हमने लिख दिया 7,000 और 3,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला, एक को 41,280 और दूसरे को 20,640, वो यहाँ लिख दिया 41,280 और 20,640। डेबिट साइड में ये तो बैलेंस लिखा ही था टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग एक का 4800 था दूसरे का 3600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उन पर इंटरेस्ट निकाला था 240 और 180। अब इनका टोटल करके देखेंगे डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का, तो जो ये पूजा है इसका तो डेबिट का जोड़ ज़्यादा है, क्रेडिट का ज़्यादा है, क्रेडिट में आए 53,280, 53,280 में से डेबिट के इसके 4800 और 240 घटा दें तो ये बच जाएगा, इसका टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 48,240 और इस साइड का टोटल लिख देंगे 52,280। जो अर्चना है उसका देखिए क्रेडिट का डेबिट का पहले ही 23,000 था, तो इसका डेबिट का ही बैलेंस ज़्यादा आएगा 23,326,600 और उसके में 180 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 26,780, 26,780 में से इस साइड के घटा देंगे 20,640, तो हमारे पास इसका फिर से डेबिट बैलेंस बच जाएगा 3140 यानी 3,140 और इसके क्रेडिट में लिख देंगे टोटल 26,780। ये क्वेश्चन थे भाई, इससे आगे आगे की क्लास में करवाएंगे।